मैप माई इंडिया के बारे में, और विजय गुप्ता पूछ रहे हैं 3 साल के लिए खरीदना है इनको, क्या ये 4,000 पे जा सकता है? तो 3 साल और 4,000 का लक्ष्य, बताइए जो सोच रहे हैं वो ठीक है या नहीं? मैप माई इंडिया मुझे नहीं पता सर 4,000 तक जा सकता है कि नहीं, लेकिन हाँ कंपनी के कंपनी इनोवेटिव है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। मैं बहुत मेरा इसका मन था कि 1,000-1,100 के रेंज में इसमें एक एंट्री बनाई जाए, लेकिन यही है कि इन सब कंपनी में होता ही है कि जब तक एक दो क्वार्टर आप रिजल्ट देख नहीं लें तब तक बात समझ में नहीं आती है और तब तक ये महंगे हो जाते। मुझे इसका वैल्यूएशन जो बेहतर लगता था वो एक्चुअली लगता था जो मैंने फिगर आउट किया था, वो किया था क्लोजर टू 850-800। वहां तक तो नहीं आया, 850-800 तो नहीं आया, लेकिन ये करीब करीब 1,000 पे जाके ही पलट। कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स काफी इनोवेटिव लेके आ रहे हैं। अब यही डिपेंड करता है कि इस तरह का इनोवेशन प्रोडक्ट और वो क्या रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट होता है। अगर होता है तो प्राइस अल्टीमेटली आपके अर्निंग्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आपने 4,000 बोला है तो उसके पीछे आपका क्या कैलकुलेशन वो समझाएंगे और फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि 4,000 हो सकता है। मैं नॉर्मली वैल्यूएशन फैक्टर करने की कोशिश करता हूँ, अभी मेरे पास कोई ऐसा विजिबिलिटी नहीं है कि इसके पास 4,000 का वैल्यूएशन नहीं है। जी, तो फिर इनके लिए मतलब एक जो व्यावहारिक सोच है उसके हिसाब से इसमें क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? इन्होंने बताया नहीं कि ये खरीद करके बैठे हुए हैं और 4,000 के का इंतजार कर रहे हैं, या खरीदने की सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हाँ अगर 4,000 होने वाला हो तब खरीद लें। देखिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनके अर्निंग्स के अगेंस्ट जो इनका ग्रोथ है, इस ग्रोथ पे मैं इनको 80 टाइम्स का वैल्यूएशन मैं नहीं दे सकता, मैं इसका आधा का दे सकता। मैंने आपको पहले बताया क्यों 850 का वैल्यूएशन होना चाहिए, और जब मैंने वैल्यू किया था उसके बाद शायद 2 या 3 क्वार्टर के नंबर आ गए, तो हो सकता है मुझे उसको उस वैल्यूएशन को मैं 850 से उठा के 1,000 रुपये पे ले गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा तो वैल्यूएशन डिफरेंस मैं नहीं कर सकता हूँ मेरे अंदाजे से। जी, तो तो मतलब यह है मैं कि अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो अवॉइड है। मेरे हिसाब से तो हाँ वैल्यूएशन के हिसाब जी, लेकिन जो मोमेंटम है उसके हिसाब से। से उसके हिसाब से तो जबरदस्त है, कोई काटने वाला नहीं है इसको। और मोमेंटम यही कहता है कि ये आज के हिसाब से फिर से बाई बन गया है, और बाई कब तक बन गया है, जब तक ये 1650 के नीचे क्लोज नहीं होता है, दैट्स द मार्क। 1650 इसके नीचे आए बिना इसकी चाल नहीं टूटेगी, ये सीधा सीधा है सोमेश बता रहे हैं। लेकिन जितना ऊपर जाएगा वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ये भी अपने आप में समझ के रखने वाली चीज़ है। तो बाज़ार ऐसी ही दिलचस्प चीज़ है कि महंगी होती हुई चीज़ जो है वो और अच्छी लगती जाती है, लेकिन साथ में और ज़्यादा महंगी होती जाती है। तो आपको कितना महंगा बर्दाश्त करना है ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल अभी इन्हीं भावों पर मतलब जो इसका वाजिब वैल्यूएशन होना चाहिए उससे 2 गुना लग रहा है, ये समझ लीजिए। लेकिन फिर भी चाल बनी हुई है, इसलिए ये अभी 1750 का दिख रहा है, हो सकता है एक हफ्ते बाद ये 1850 दिखे, कहीं और दिखे किसी बड़े ऊपर के लेवल पे। तो चाल जब तक नहीं टूटेगी तब तक नीचे आने के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन महंगा है ये बड़े साफ तौर पे दिख रहा है। तो अगर खरीदारी के लिए आप सोच रहे थे तो वापस वही उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि आपको खरीद करके निवेश के लिए रखना है तो फिर महंगा लग रहा है, क्योंकि 3 साल में तो बहुत बार ऊपर नीचे होगा, उस उतने दौर में कितनी बार चाल बनेगी टूटेगी। तो उसमें अगर निवेश के लिए खरीदना है तो वैसे किसी समय का इंतजार कीजिए जब बाजार में एग्जुबरेंस नहीं हो, बाजार एकदम थका हुआ सा निराश जैसा बैठा हुआ हो, उस समय आप चीजें खरीदेंगे आपको अच्छे भावों पर मिलेंगी। अभी एकदम अति उत्साह है तो निवेश वाली खरीदारी के लिए ये नाम खास करके वो अवॉइड वाली कैटेगरी में ही आएगा।